साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजा मा केम छो कसा आहित। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर अपन डिस्कस करेंगे कि सीबीआई ने कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध प्रसंज्ञान लेने के लिए मटेरियल कोर्ट में पेश किया और कंसर्न कोर्ट ने सेक्शन 420, सेक्शन 465, सेक्शन 470 आईपीसी रीड विद सेक्शन 31D ऑफ द पीसी एक्ट के तहत प्रसंज्ञान लिया। वो व्यक्ति ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से गुहार लगाते हैं कि सीबीआई के जिस मटेरियल पर प्रसंज्ञान लिया गया है, उस मटेरियल पर प्रसंज्ञान लेने के लिए कोई स्थिति बनती ही नहीं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने ना केवल पिटीशन को स्वीकार किया अपितु ये स्पेसिफिक भी किया कि रूटीन मैनर में किसी का भी हम प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते। सीबीआई को उनके दायित्व याद दिलाए ही दिलाए, पर कंसर्न ट्रायल कोर्ट को ऐसी चार्जशीट्स पर करना क्या है ये भी समझाया गया। मैटर काफी इंपॉर्टेंट है, यदि आपके विरुद्ध भी सीबीआई ने कोई इंक्वायरी कोई चार्जशीट सबमिट की है तो उस प्रस्पेक्टिव में हमें करना क्या है, हमारे वहां पर लीगल राइट्स क्या होंगे, जिस कारण इन समस्त बातों को चर्चा करने के लिए आज की वीडियो का एजेंडा है कि यदि सीबीआई आपके विरुद्ध चार्जशीट पेश करती है या ऐसा कोई मटेरियल पेश करती है जो बड़ा ही कमजोर प्रकृति का है, पर इसके बावजूद भी कोर्ट उसे कंसिडर करते हुए प्रसंज्ञान लेती है, तो हम क्या करें, कानून में हमारे पास क्या क्या रेमेडी जो है अवेलेबल है। टॉपिक को समझने के लिए हमें साइटेशन को समझना होगा, फैक्ट्स को समझना होगा। मैं पहले इसे इंग्लिश में बताऊंगा, उसके बाद इसका हिंदी रूपांतरण करूंगा ताकि फैक्ट्स जो है आपको क्लियर हो सके और उस पर क्या क्या लॉ अप्लाई हुआ और उस पर क्या क्या इंटरप्रिटेशन हुआ आपको क्लियर हो सके, और उसके बाद एंड रिजल्ट क्या रहा यह भी आपको जो है वो क्लियरिफाई हो सके। साथियों, जजमेंट का नाम है कबीता, KABITA वर्सेस CBI। जजमेंट की डेट है 13 अप्रैल 2022, सबसे रिसेंट फैसला है अभी तक का। मामला क्या है? द पिटिशन हैज बीन प्रिफर्ड अंडर सेक्शन 482 फॉर क्वेशिंग ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड समनिंग ऑर्डर डेटेड सो एंड सो पास बाय स्पेशल जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एट CBI, वेयर इन द कंसर्न कोर्ट हैड टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 420, 465, 471 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, रीड विद सेक्शन 120 ऑफ द आईपीसी, रीड विद सेक्शन 31D ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। मामले में एक याचिका सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत माननीय उच्च न्यायालय में पेश की गई और यह निवेदन किया गया कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो प्रसंज्ञान लिया गया है पीसी एक्ट और आईपीसी के तहत उसको रद्द किया जाए, ऑर्डर गलत है, इट इज एन इम्प्यून ऑर्डर। मामला क्या था वो समझते हैं एक बार अपन। द फैक्ट विच आर रिलेवेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ द केस आर दैट वेरियस पर्सन वर फाउंड टू हैव डिफ्रॉडेड द कॉरपोरेशन बैंक वसंत विहार ब्रांच न्यू दिल्ली। मामला शॉर्ट में किया कि कुछ लोग जो है वसंत विहार ब्रांच न्यू दिल्ली में स्थित कॉरपोरेशन बैंक को डिफ्रॉड करते हुए पाए गए। अ चार्जशीट वॉज फाइल्ड अगेंस्ट 7 पर्सन, उनके विरुद्ध जो है चार्जशीट फाइल्ड हुई, बट पिटिशनर्स वर शोन इन कॉलम नंबर 12 एंड द स्पेशल जज वाइड इम्प्यून ऑर्डर समन ऑल द 7 पर्सन इंक्लूडिंग द पिटिशनर। बट ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज्ड पर्सन के साथ साथ उन व्यक्तियों को भी तलब कर लिया जिनके विरुद्ध सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी थी, बट कोर्ट का यह मानना था कि सीबीआई के पास मटेरियल है जिसे प्रसंज्ञान जो है ले सकते हैं। ये मामला जो है हाईकोर्ट तक गया, तर्क क्या दिए गए ये भी आप समझ लें। द पिटिशनर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी के द्वारा डिफ्रॉड किया गया जिसके डायरेक्टर्स पे आरोप है, तो उनका कहना है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी ऑफ विच देवर नो डाउट द नेम डायरेक्टर बट इन एक्चुअल देवर द हाउस वाइफ। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी पत्नियों को या अपने घर वालों को जो होता है एज अ ऑनरी या एज अ डॉर्मेंट पार्टनर या एज अ स्लीपिंग पार्टनर या एज अ स्लीपिंग डायरेक्टर जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, जिनको अता पता नहीं कि इस कंपनी का रोल क्या है, ये कंपनी कर क्या रही है, बट कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें उनके साइनों की जरूरत पड़ती है, जिसके आधार पर ये मान लिया जाता है कि वो भी क्राइम में इन्वॉल्व है। ऐसा ही इस प्रकरण में हुआ और ये इंपॉर्टेंट तर्क जो है दिया गया और कुछ जजमेंट्स पे जो है रिलाई किया गया जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के थे। इनके प्रस्पेक्टिव में क्या लिखा गया? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन ऑर्डर समनिंग द अक्यूज्ड ऑल्दो शुड नॉट बी इन डिटेल्ड बट
इट मस्ट स्पेसिफाई द स्पेसिफिक रोल ऑफ द अक्यूज्ड. व्हाट द कोर्ट सेट, बिफोर एन अक्यूज टू बी समन्ड एन एक्टिव रोल मस्ट बी असाइन टू द अक्यूज्ड. विदाउट असाइनिंग द एक्टिव रोल एंड द क्रिमिनल इंटेंट द अक्यूज कुड नॉट बी समन्ड एंड प्रोसिक्यूटेड. तो कुल मिला के हम एक बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्रिमिनल इंटेंशन और आपका रोल क्या है क्राइम में, ये जज को स्पेसिफिक करना होगा. अगर वो नहीं करते हैं तो ये समनिंग ऑर्डर भी इनलीगल है, गलत है. इस परस्पेक्टिव में भी ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है. कोर्ट ने अपने फैसले में क्या लिखा, द ऑथराइजेशन बाय द पिटिशनर कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी इन क्रिमिनल एक्ट अनलेस द सीबीआई आफ्टर द एक्सटेंसिव एंड डिटेल इन्वेस्टिगेशन वॉज एबल टू पिन समथिंग ऑन दैम. कि उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया बट कोई मटेरियल नहीं था, बट उसके बावजूद भी ट्रायल कोर्ट ने गलती करते हुए यह मान लिया कि सीबीआई के पास जो है मटेरियल है. और कमाल की बात यह थी कि सीबीआई भी ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर अपोज कर रही थी कि मटेरियल है, माय लॉर्ड प्रसंज्ञान लिया जाए और जो प्रसंज्ञान लिया गया है वो सही जो है वो ठहराया जाए. तो वहां पर स्पेसिफिकली क्या हेल्ड हुआ, दैट देवर नोन दैट देवर शोन इन कॉलम नंबर 12 इट सेल्फ अंडरलाइन द फैक्ट दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सीबीआई had actually not revealed any overt of the petitioner. The contention that they stood as a guarantor would at best reflect a civil liability, but the same could not be a ground to implicate them in a criminal case. कि भले ही वो guarantor रहे, भले ही उनके द्वारा document execute किए गए, but उनकी कतई मंशा ये नहीं थी कि वो defraud को जो है support करें. तो इस perspective में ये specific किया गया कि जो material file पर है वो specific नहीं है, किसी भी रूप में criminal offence के या क्रिमिनल एक्टिविटी के प्रस्पेक्टिव में क्राइम को जो है वो इंडिकेट नहीं करता है. अंतोगत्वा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल का जो बेसिक लॉ है उस पर रिलाई किया और ये हेल्ड किया कि देर इज नो आयोटा ऑफ एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड टू प्रोसिक्यूट द कंसर्न्ड पर्संस इवन देर इज नो प्रिमा फेशिया एविडेंस लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस व्हेन देर इज नो एक्टिव रोल एंड नो सपोर्टिंग एविडेंस अक्यूज को जो है प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते और अंतोगत्वा अक्यूज के विरुद्ध कार्रवाई को जो है वो ड्रॉप किया गया. इन सब प्रस्पेक्टिव में हमें ये समझना चाहिए कि जब भी हमारे विरुद्ध सीबीआई कोई क्राइम लेके चल रही है तो सबसे पहले आप अपनी चार्जशीट का या आप अपनी एफआईआर का एक्टिव एनालिसिस कीजिए और ये फाइंड आउट कीजिए कि वहां पर आपका रोल क्या बताया गया है, रोल कितना एक्टिव है, कितना डॉर्मेंट है और कितना असाइलिंग है. यदि समस्त फैक्ट को एक साथ लेकर भी कोई ऑफेंस नहीं बनता है रादर देन अ सिविल लायबिलिटी देन यू कुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड इफ सच सर्कमस्टेंसेस अकर आप इसको इजीली जाकर जो है चैलेंज भी कर सकते हैं. तो घबराने का नहीं है, चीजों को समझना है और उसके अनुसरण में हमें जो है काम करना है. एक्ट कॉम्प्लिकेट है पर चीजों को समझ लेंगे, लीगल पोजीशंस को फॉलो कर लेंगे तो राहत भी जो है हमें कोर्ट से मिल जाएगी. तो साथियों, अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना. मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.